उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सैन्य कैंटीन और पैरामिलिट्री फोर्स की कैंटीन खोले जाने को लेकर मशवरा दिया। आपको बता दें, सरकार के द्वारा जहां शराब की दुकानें खोल दी गई, लेकिन सैनिक कैंटीन को इस दौरान बंद रखा गया, जिसके कारण रिटायर्ड सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा जो सरकारी शराब की दुकानें खोली गई, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद आप इन सरकारी शराब की दुकानों को खोल कर बैठे हैं। वहीं सैनिक कैंटीन, जहां अनुशासन के साथ सारे काम होते हैं, लेकिन सैनिक कैंटीन को बंद रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ये बताइए, हमारे पूर्व फौजियों ने आपकी सरकार का क्या बिगाड़ा है? आपने अपनी सरकारी शराब की दुकानें, ठेके की दुकानें तो खोल दी हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और जो फौजी जिंदगी भर अनुशासन में बंद करके रहे हैं और उनकी कैंटीन अभी भी बंद है, तो कौन सा संक्रमण का खतरा वहां है और जो आपकी शराब की दुकानों पर नहीं है? मैं समझता हूं आपके अधिकारियों ने ये तथ्य आप तक नहीं पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि आप पूर्व फौजियों के लिए और पैरामिलिट्री के भी कुछ हिस्सों को कैंटीन सुविधा मिलती है, उसको आप अविलंब प्रारंभ करें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस दुखड़ा बयान के बाद सरकार के द्वारा अब सैनिक कैंटीन को खोलने का निर्णय लिया गया है। लेकिन एहतियात के तौर पर कुछ नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिक कैंटीनों को खोला जाएगा।